नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम MPPSC व्यापम के लिए जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज 22 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके हम टॉपिक आपको पहले बता दें। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव जी और गुरु नानक जी ये टॉपिक हैं, मणिपुर और दोस्तों पीएम केयर फंड, ये चार जो है चर्चित टॉपिक हैं करंट अफेयर के। दोस्तों, पहले राजू श्रीवास्तव जी के बारे में बात करते हैं। पहले तो दोस्तों राजू श्रीवास्तव जी को हम हमारे चैनल की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि दोस्तों राजू श्रीवास्तव जी का कल जो है निधन हो गया है। 58 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। 1963 में दोस्तों राजू श्रीवास्तव जी का जन्म हुआ था। और क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से आ सकता है कि राजू श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हुआ है पेशे से क्या थे? तो दोस्तों ये एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन थे। इन्होंने दोस्तों कई मूवियों में सीरियलों में भी काम किया है। नेक्स्ट है दोस्तों गुरु नानक जी। दोस्तों आज ही के दिन 1539 में गुरु नानक जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर दोस्तों इसीलिए चर्चा में है क्योंकि मणिपुर की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर दोस्तों शराब की खरीद और दोस्तों सेवन पर जो प्रतिबंध लगा गया था 30 साल पहले, वो दोस्तों हटा लिया गया है। और तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। यदि इसकी लोकेशन देखेंगे तो दोस्तों बर्मा मतलब देश से ये टच करता है भारत, ठीक है। भारत का ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पीएम केयर फंड। दोस्तों पीएम केयर फंड इसीलिए चर्चा में है क्योंकि दोस्तों इसके ट्रस्टी बनाए गए हैं कुछ व्यक्ति, जिसमें दोस्तों रतन टाटा जी हैं, करिया मुंडा जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस जी जो है इस मतलब पीएम केयर फंड के ट्रस्टी बनाए गए हैं। दोस्तों पीएम केयर फंड के बारे में कुछ हम बात कर लें। देखिए दोस्तों, ये एक टाइप का फंड था जो कि कोविड के टाइम पर भारत सरकार ने मतलब बनाया था। और ये तो इसमें दोस्तों देश के जो नागरिक हैं उन्होंने अपने स्वेच्छा से जिससे जो मदद बन पड़े वो दी थी, और उसका उपयोग जो है कोविड के लिए जो है किया गया था देश के नागरिकों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे और हमने टॉपिक वाइज जो है आपको जानकारी दी है। धन्यवाद।